हेलो क्लास, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन स्टडी सेशन। आई होप यू आर वेरी वेल एंड सिक्योर। इन आवर टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर इंग्लिश ग्रामर बुक एंड आवर फर्स्ट टॉपिक इज सेंटेंसेस। ओके, दिस इज द फंडामेंटल टॉपिक ऑफ योर इंग्लिश ग्रामर। व्हाई डू वी नीड टू लर्न अबाउट सेंटेंस और व्हाट डज अ सेंटेंस वर्क इन योर लैंग्वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर विद द डेफिनेशन ऑफ द सेंटेंस। A sentence is a group of word that makes complete sense by itself. Sentence kya hote hai? Sentence hote hai group of word that makes a complete sense, that denotes, that refers a proper meaning is called sentence. Okay? कोई भी words हमने add कर दिए इधर उधर से उठा के और हम कहें कि ये group of words है और ये sentence है, that is not a sentence. A sentence should make a complete sense. Okay? So, let me clear by some examples. Book the is my table on the, is this a sentence? No, this is not a sentence. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो words हैं they are not in a proper sequence, so they can make a complete sense. This group of word does not make any sense, this is not a sentence. In the pond, is this a sentence? No, ये group of word है लेकिन ये incomplete है तो ये भी sentence नहीं कहलाएगा. The group of word given here makes sense but not complete sense. कोई फुल मीनिंग नहीं दे रहा है। द बुक ऑन द टेबल इज माइन, ये आपके लिए कंप्लीट सेंटेंस हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको सेंस भी दे रहा है, आपके लिए सेंटेंस में सारे वर्ड्स भी प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज्ड है तो ये आपके लिए कंप्लीट सेंटेंस हो सकता है। दिस ग्रुप ऑफ वर्ड मेक्स कंप्लीट सेंस, इट इज अ सेंटेंस। ये ग्रुप ऑफ वर्ड आपके लिए प्रॉपर मीनिंग डिनोट कर रहा है, रेफर कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या कंसिडर कर सकते हैं, हम इसको सेंटेंस मान सकते हैं। ओके, अब आते हैं फीचर्स की। एक सेंटेंस के क्या क्या फीचर्स होते हैं। अ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, इट हैज अ वर्ब, द वर्ड इन अ सेंटेंस आर रिटन इन प्रॉपर ऑर्डर, अ सेंटेंस एंड्स विद ईदर फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर वो सेंटेंस असर्टिव है, डिक्लेरेटिव है, स्टेटमेंट है तो फुल स्टॉप पे एंड होगा, क्वेश्चनिंग सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क पे एंड होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेमेशन मार्क पे एंड होगा। ये सेंटेंस के टाइप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी आज हम इस क्लास में इसको रिकॉल करेंगे। इट बिगिंस विद कैपिटल लेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा हमेशा। फंडामेंटल रूल है इंग्लिश लैंग्वेज को लिखने के लिए कि आपका सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल स्टार्ट हो, और जब हम उसको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखते हैं तो जहाँ पे हम सेंटेंस एंड कर रहे हैं फुल स्टॉप लगाने के बाद में, हम जो नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे दैट शुड बी स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। नेक्स्ट द फ्रेज, ये क्या होता है? द फ्रेज ये पार्ट होता है आपके सेंटेंस का, ये सेंटेंस का ऐसा पार्ट होता है जो इनकम्प्लीट होता है और कोई थोड़ा बहुत ये मीनिंग आपको डिनोट कर देता है। इनकम्प्लीट पार्ट होता है सेंटेंस का, ध्यान रखिए इनकम्प्लीट पार्ट। जैसे कि द बुक ऑन द टेबल इज माइन, टेबल इज माइन, ये क्या है? फ्रेज, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, ये आपका कंप्लीट ना तो सेंटेंस है ना ही कोई कंप्लीट मीनिंग बता रहा है, तो हम इसको फ्रेज मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विद अ स्पून, इन द ऑडिटोरियम, इन स्पाइट ऑफ, लास्ट मंथ, हम इनसे हिंट लेते हैं, हम सेंटेंस बना सकते हैं पूरा, तो आपका कंप्लीट सेंटेंस माना जाएगा। वी कैन नॉट कॉल एनी ग्रुप ऑफ वर्ड अ फ्रेज, इट शुड मेक कंप्लीट, इट शुड मेक सम सेंस। किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड को हम फ्रेज नहीं कह सकते कि कोई भी हमने जंबल्ड वर्ड ऐड कर दिया और हमने बोला ये फ्रेज है, नहीं, उसका एक थोड़ा बहुत मीनिंग होना चाहिए। जैसे कि प्लेट पार्क द, ये फ्रेज नहीं है, अ गुड स्टूडेंट ये फ्रेज है। ओके, अंडरलाइन द फ्रेज इन दीज सेंटेंसेज, ये आपकी बुक एक्सरसाइज है, मैं आपके लिए बताती जाऊंगी कि कौन सी एक्सरसाइज आपको बुक में करनी है, कौन सी नोटबुक में करनी है। स्टार्ट करने से पहले आप चैप्टर का नेम, नंबर लिखेंगे और फिर आप सेंटेंस की डेफिनेशन लिखेंगे। ओके, उसके बाद ही हम कोई वर्क स्टार्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको इनमें फ्रेजेस को अंडरलाइन करना है। जैसे कि द गार्डन वॉज फुल ऑफ रेड रोजेस, तो इसे फ्रेज है फुल ऑफ रेड रोजेस। द वॉटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, फिट फॉर ड्रिंकिंग आपके लिए फ्रेज है। शी इज ऑलवेज इन हरी, इन अ हरी। इन स्पाइट ऑफ स्टार्टिंग लेट, वी रीच्ड इन टाइम, वी रीच्ड इन टाइम, ये आपके लिए फ्रेजेस हो गई। टिक द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट आर सेंटेंसेज, ये भी आपकी बुक एक्सरसाइज है। क्या करना है इसमें, आपको सिर्फ उन्हीं सेंटेंसेज के आगे या उन्हीं ग्रुप ऑफ वर्ड के आगे आपको राइट टिक करना है जो कि कंप्लीट सेंटेंसेज हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, पार्ट ऑफ अ सेंटेंसेस पे। ठीक है, इसमें क्या है कि आपके सेंटेंसेस के पार्ट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला सेंटेंस का पार्ट होता है आपका सब्जेक्ट, और नेक्स्ट होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट द मेन पर्सन और थिंग इन अ सेंटेंस विच डज द मेन वर्ब
और विच डायरेक्टली कनेक्टेड टू द वर्ब इन अ सेंटेंस. ऐसा कोई पर्सन है जो कि आपके सेंटेंस में वर्ब से डायरेक्टली कनेक्टेड हो या वो उस वर्ब को करने वाला है, वो आपका क्या होता है सब्जेक्ट. जैसे कि इन करंट सिनेरियो हु इज स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग, और यू कैन से आर टीचर इज स्पीकिंग. तो एक्शन कौन सा हो रहा है, स्पीकिंग, बोलने का. कर कौन रहा है, टीचर. तो टीचर क्या है, सब्जेक्ट. और जो बाकी का सेंटेंस बचा हुआ है वो क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट. उसमें क्या आते हैं, आपके वर्ब आते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट्स आते हैं, आपके एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, प्रोनाउन. वो उसमें प्रोनाउन नहीं, सॉरी प्रोनाउन नहीं आएगा, वो आपके प्रेडिकेट में. ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे टेबल दी हुई है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. नेक्स्ट आते हैं हम. इस बॉक्स में हम देखेंगे, तो इस बॉक्स में हमें ये पता चलेगा कि हम एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. वैसे मोस्टली सेंटेंसेस में सब्जेक्ट पहले आता है, प्रेडिकेट जो बाकी बचा हुआ बात का सेंटेंस होता है वो प्रेडिकेट होता है. बट हमेशा ऐसा नहीं होता, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये वाला सेंटेंस हम पढ़ेंगे, तो एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम सेट द प्रिंसेस. बैठा कौन है, प्रिंसेस, प्रिंसेस बैठी है. तो सब्जेक्ट कौन है, प्रिंसेस. अब ये सेंटेंस के लास्ट में आया, हमें तो ये लगता है ना एट वन कॉर्नर को हम सब्जेक्ट मान लेते हैं, नहीं, लेकिन ये तो कोई वर्क कर ही लिया. जो बैठने वाली जो वर्ब है उसको कौन फुलफिल कर रहा है, उसको प्रिंसेस फुलफिल कर रही है, तो हम सब्जेक्ट इसको मानेंगे, फुलफिल को. इन इंपेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज नॉट मैंशन बट इम्प्लाइड. गो देयर, इट मीन्स यू गो देयर. अब यहाँ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, बट हमको ये मानना पड़ेगा कि हम किसको जाने के लिए कह रहे हैं, हम किसी सामने वाले को जाने के लिए कह रहे हैं. तो वहां पे यू हिडन है, बट सब्जेक्ट क्या आएगा, यू. और गो देयर प्रेडिकेट. हैव टू कैप्सूल्स डेली, सजेशन है. तो हम इसमें भी हम किसी और को सजेशन दे रहे हैं, तो हम सामने वाले के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, यू. इन एन इंटरोगेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर प्लेस्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर. इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो क्वेश्चनिंग सेंटेंस होते हैं, उनमें सब्जेक्ट्स कैसे पता लगाएंगे आप, वॉट आर यू डूइंग, सब्जेक्ट कौन है, यू. क्योंकि जो हम काम करने के बारे में पूछ रहे हैं वो किससे पूछ रहे हैं, इस प्रोनाउन से पूछ रहे हैं ना, तो ये सब्जेक्ट है, ये दोनों क्या है, प्रेडिकेट है. इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस द वर्ड ऑर्डर इज एज फॉलो. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वर्ड ऑर्डर कैसे होता है, ये सारे टाइप्स हम आगे पढ़ने वाले हैं. अभी तो आप एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में जान लीजिए. हाउ ब्यूटिफुल शी इज, वो कितनी सुंदर है. शी किसके बारे में बात हो रही है, शी. तो ये है सब्जेक्ट. बाकी जो सेंटेंस बचा आपका वो क्या हो गया, प्रेडिकेट. ओके, इसी तरह से ये बाकी टेबल आप पढ़ेंगे. अब आते हैं हम, ये आपकी नोटबुक एक्सरसाइज है, ये हमको कैसे करनी है, आइए. आप कोशिश कीजिएगा नोटबुक एक्सरसाइज हम पेंसिल से करें, ताकि इनमें मिस्टेक्स होने पे आपके लिए करेक्शन करना इजी रहे. हमें क्या करना है, हमें सारे सेंटेंस देखने हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेपरेट करने हैं. कैसे सेपरेट करेंगे, पहले आप सेंटेंस लिखेंगे पूरा जैसे इसमें दिया हुआ है, सेम एज इट. नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट. आपको जो लगता है सेंटेंस में सब्जेक्ट का पार्ट है वो आप सब्जेक्ट के आगे लिखेंगे, जो आपको लगता है सेंटेंस में प्रेडिकेट का पार्ट है वो आप प्रेडिकेट के आगे लिखेंगे. गॉट इट. नेक्स्ट, जो मेन एलिमेंट इस चैप्टर का, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. ये चारों आप, ये पूरा आपको डायग्राम आपकी कॉपी में बनाना है सेंटेंसेस, ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले. फर्स्ट आपका टाइप आता है असर्टिव और डिक्लेरेटिव, सेकेंड आपका आता है इंपेरेटिव, थर्ड आपका आता है एक्सक्लेमेटरी, एंड फोर्थ इज इंटरोगेटिव. क्या होते हैं ये, आइए इनको रीड करते हैं एक बार. फर्स्ट है आपका असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जो कि होते हैं स्टेटमेंट्स. ऐसे सेंटेंसेस जो आपको कंप्लीट मीनिंग दे दें, ओके, या कोई फैक्ट बता दें, अपनी बात को कंप्लीट खत्म कर दें एक सेंटेंस के अंदर, वो क्या होते हैं, स्टेटमेंट. फॉर एग्जाम्पल, स्टार्स शाइन्स एट द नाइट. ओके, द सन इज द ब्राइटेस्ट स्टार, आई एम गोइंग टू मार्केट, शी इज मेकिंग नॉइस. ये सारे क्या हैं, ये सारे स्टेटमेंट्स हैं, अपनी बात को एक ही स्टेटमेंट में खत्म कर रहे हैं. ओके, तो ये जो इस टाइप के जो सेंटेंसेज हैं वो किस पे एंड होते हैं, वो हमेशा फुल स्टॉप पे एंड होते हैं. फर्स्ट लेटर आप हमेशा कैपिटल रखेंगे. असर्टिव सेंटेंस, जिन सेंटेंसेज की मैं बात कर रही हूँ अभी, वो दो टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव. या तो वो सिंपली अपनी बात कहेंगे अफर्मेटिव तरीके से, जैसे कि अभी मैंने कहा कि सन इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द सोलर सिस्टम. अब मैं इसको नेगेटिव में कहूंगी तो मैं क्या कहूंगी, सन इज नॉट द ब्राइटेस्ट स्टार इन आवर सोलर सिस्टम. ये कहूंगी ना मैं नॉट के साथ में, नेगेटिव में कैसे कहूंगी, नॉट के साथ में. और अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस है,
ये आपके सामने यहाँ पे नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर हैं, इनको आप अच्छे से रीड आउट कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी बुक एक्सरसाइज है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सॉरी सेंटेंसेस एंड टिक द असर्टिव ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आपको सिर्फ उन्हीं सेंटेंसेस को टिक करना है जो आपको लगे कि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, मतलब कि जो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, जो कमांड नहीं दे रहे हैं, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है, जो नॉट के साथ में है। ओके, नॉट वाले सेंटेंस भी आप इसमें असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस में डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें अफर्मेटिव तो पूछा नहीं है, आपको इसमें असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस पूछे, तो नॉट वाले सेंटेंसेस को भी आप टिक कर सकते हैं। बट आप देख लीजिएगा कि वो कोई कमांड ना दे रहे हो, कोई क्वेश्चन ना पूछ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप आता है इंपेरेटिव। सेकेंड क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। सेंटेंस दैट गिव ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, मेक रिक्वेस्ट, ऑफर एडवाइस आर कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें आपको ऑर्डर देने का एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा हो, सजेशन दिखाई दे रहे हैं, रिक्वेस्ट दिखाई दे रही हैं, या एडवाइस दिखाई दे रही है, ऐसे सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। एग्जांपल्स, मदर प्लीज बाय मी अ पैकेट ऑफ पोटैटो चिप्स, रिक्वेस्ट, डोंट ईट पोटैटो चिप्स, कमांड, हैव सम फ्रूट्स, दे आर हेल्दी, एडवाइस या सजेशन। समझे? ना आते हैं दी एक्सरसाइज। दी एक्सरसाइज आपके लिए है बुक एक्सरसाइज। ओके, कैसे करना है आपको? आपको कुछ नहीं करना है, हमें आप यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि हमें जो सही ऑप्शन लगे, जैसे कि कम यार, ये क्या है आपके लिए? ये आपके लिए है कमांड, तो हमें कमांड को राइट कर देना है। वैसे आप ये सारे सेंटेंसेस पढ़ते जाएंगे, आपको जो सेंटेंस जो ऑप्शन इस सेंटेंस के लिए सूटेबल लगेगा हम उसको राइट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब बहुत क्लियर क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। क्वेश्चन हम दो तरीके से पूछ सकते हैं, यस नो वाले क्वेश्चन जो कि किससे स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, विल, शैल, और डब्ल्यू एच क्वेश्चन मतलब जो स्टार्ट होते हैं व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, इन वाले वर्ड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं? डब्ल्यू एच क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, आइए इनको एक बार एक्सप्लेन स्टडी कर लेते हैं। इन द इंटरोगेटिव सेंटेंस द ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब, ओके, इज प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट। ओके, जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट से पहले हम हमेशा हमारे सेंटेंसेस में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है, नहीं, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, हम पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, दे आर कमिंग, ये मैंने एक स्टेटमेंट बोला, अब इसी हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आर दे कमिंग, आर हेल्पिंग वर्ब थी, दे सब्जेक्ट था, हमने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले लिया, तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। ये सारे आपको क्वेश्चंस के रूल्स हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन बहुत डिटेल्ड है इसलिए मैं आपको यहाँ पे समझाने नहीं वाली हूँ, अगर आप खुद भी पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बट ये यहाँ पे एक्सप्लेन करने का मेन रीजन था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस हम बोलते कि नहीं, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हम उन्हें बोलते हैं जो सेंटेंस क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, यहाँ पे आपके सामने डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चंस भी हैं और आपके सामने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चंस भी हैं। ये आपकी नोटबुक एक्सरसाइज है, हमको क्या करना है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, कुछ नहीं करना, आपको सेंटेंस को पढ़ना है, हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले सेंटेंस में पुट कर देना है, बाकी का सेंटेंस उसके बाद में लिख देना है। ये आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, ये नोटबुक एक्सरसाइज है। फर्स्ट मैं आपके लिए क्लियर कर देती हूँ, दे आर कमिंग नाउ, हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर, तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा? आर दे कमिंग नाउ, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये जरूर ध्यान रखिएगा, इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क जरूर होना चाहिए लास्ट में। अब आते हैं नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंस जो आपके सामने सडन एक्सप्रेशन शो करते हैं किसी चीज का, कोई बहुत खूबसूरत चीज आपको दिखी, कोई बहुत ह्यूज आपने कोई मॉन्यूमेंट देखा, कोई कुछ भी ऐसे सडन फीलिंग, आप बहुत खुश हैं, ये हो रहे, या फिर इस टाइप के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो हम किस टाइप के सेंटेंसेज में शो करते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में। ये किससे एंड होते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क्स। ओके, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बिगिंस विद व्हाट, हाउ, इट इज फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड ऑर्डर इज ऑल्टरेड इन एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, जब भी हम व्हाट हाउ से स्टार्ट करते हैं ना, तो हम इसका सब्जेक्ट हमेशा लास्ट में चला जाता है। चलिए हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं।
ये एक एक्सरसाइज है आपके पास में, नोटबुक एक्सरसाइज है। इसके आंसर्स मैं साथ साथ बोलती जा रही हूँ, आप लोग मेरे साथ इसको ध्यान से सुनते रहिएगा और समझते रहिएगा कि मैम कैसे सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर रही हैं। ही इज एन ऑबिडेंट चाइल्ड, इसको हमें कन्वर्ट करना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। हम इसको करेंगे व्हाट से, व्हाट एन ऑबिडेंट चाइल्ड यू आर या ही इज, इसको हम ऐसे लिखेंगे। शेक्सपियर वॉज अ प्रोलिफिक राइटर, व्हाट अ प्रोलिफिक राइटर वॉज शेक्सपियर। द फाइनल मैच वॉज थ्रिलिंग, व्हाट अ थ्रिलिंग मैच, व्हाट अ थ्रिलिंग मैच वॉज द फाइनल। He has strong muscles. How strong muscles he has? सब sentences में उसमें exclamation mark add करते जाना है आपको। It is a colorful dress. What a colorful dress it is. The meal was delicious. What a delicious meal was. The place is desolate. How desolate the place is. It was an exciting day. What an exciting day it was. This is an incredible idea. What an incredible idea this is. It is a bright morning. What a bright morning it is. ये आपके बन गए exclamatory sentence. Next आते हैं G exercise. It's also a notebook exercise. And how will you do this? जंबल्ड वर्ड्स हैं आपके सामने, सामने आपको हिंट दिए हुए हैं कि इन जंबल्ड वर्ड को आपको बनाना है जब सेंटेंस, तो कैसे सेंटेंस बनने चाहिए। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है, टॉक इन द क्लास डू नॉट, जंबल्ड सेंटेंस है, सारे वर्ड्स प्रॉपर अरेंज नहीं है। अब इसको कमांड के फॉर्मेट में बनाना था तो हम कैसे लिखेंगे, डू नॉट टॉक इन द क्लास। ऐसे ही आपको सारे सेंटेंस अपनी कॉपी में लिखने हैं, बनाने हैं। पहले आप ये क्वेश्चन लिखेंगे ऐसे एज इट, अब नीचे आंसर करके इनको सही फॉर्मेट में बना के लिखेंगे। रियर इन द फॉलोइंग वर्ड्स टू फॉर्म इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड एड अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क। ये आपका नोटबुक एक्सरसाइज है, कैसे करनी है आपको, आपको ये सारे जो जंबल्ड वर्ड्स है ना इनको रीअरेंज करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट करना है। वॉट यू विल डू विद दीज पैकेट्स, गलत बना हुआ है सेंटेंस, वॉट विल यू डू विद दीज पैकेट्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस ऐसे बन जाएगा क्योंकि हमें पहले भी पता था कि इंटरोगेटिव बनाते टाइम पे हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। ओके, तो इन्होंने सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज की हुई है, ये रॉन्ग फॉर्मेशन है। हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और फर्स्ट लेटर कैपिटल। गॉट इट। आई इज ऑल्सो अ नोटबुक एक्सरसाइज, सेम आपको क्या करना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने हैं और इनके लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन पुट करना है। ध्यान से बनाइएगा, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए और इसमें हाउ और व्हाट का यूज दिया हुआ है हर सेंटेंस में, तो हमें कैसे यूज करना है वो आपको मैंने इस वाली एक्सरसाइज में क्लियर कर दिया है। रियर इन द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक कमांड रिक्वेस्ट एडवाइस एंड इंस्ट्रक्शन, अगेन नोटबुक एक्सरसाइज, सेम जंबल्ड सेंटेंसेस हैं, जंबल्ड वर्ड्स हैं, हमें इनको क्या करना है, हमें इनको अरेंज करना है प्रॉपर और वो क्या बनने चाहिए, वो कमांड बनने चाहिए, रिक्वेस्ट बननी चाहिए, एडवाइस और इंस्ट्रक्शंस के फॉर्मेट में हमें इनको रीअरेंज करना है। सेम ऐसी वाली एक्सरसाइज है ये, ठीक है, आपकी जी और जे एक्सरसाइज एज इट सेम है। सिंपल है आपका चैप्टर, अगर आप इसको ध्यान से एक बार पढ़ लेते हैं, वीडियो से गो थ्रू हो जाते हैं, वीडियो देखते टाइम अपने आप बुक साथ में रखें तो जहां जहां मैं जो चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आपको क्लियर होती जाएंगी। इस चैप्टर को आप एक बार खुद भी अच्छे से रीड आउट कर लें कि छोटे छोटे ग्रामर के ऐसे रूल्स हैं जो लेक्चर्स में नहीं बताए जा सकते हैं, वो जब तक आप खुद नहीं पढ़ते हैं तो वो आपको माइंड में क्लियर नहीं होते हैं। ओके, सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए, फाइंड आउट कीजिए कि कौन से वर्ब है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कहाँ फ्रेज हैं, कहाँ प्रेडिकेट्स हैं और क्या हेल्पिंग वर्ब किसके साथ में यूज करी। ये जब आप अच्छे से फाइंड आउट कर लेंगे तो बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत फंडामेंटल चैप्टर है आपके आगे टेंस और जो भी नेक्स्ट ऐसे और पैराग्राफ राइटिंग वगैरह वो सारे इन्हीं पे डिपेंड होते हैं। ओके किड्स, गुड बाय, गुड लक।